इसे तो आप लोग जानते हैं, यानी ये हमारा घर, हमारा प्लेनेट अर्थ। इनफैक्ट ये अर्थ का ये एक मॉडल है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है, जैसे कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, और ये कि ज़मीन अपने एक्सिस में रोटेट करती है। ये कॉन्टिनेंट, माउंटेन, रिवर, ये सब मिलकर ज़मीन का क्रस्ट बनाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 50 किलोमीटर तक थिक हो सकता है। ये भी ज़मीन के मुकाबले में ये इतना ही बारीक है जैसे सेब का एक छिलका होता है, इसीलिए तो इसे अर्थ का क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट बहुत सारी प्लेट में डिवाइडेड है, इन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इसके नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए रॉक्स सॉलिड फॉर्म के बजाय मोल्टन फॉर्म में पाए जाते हैं। पार्शियली मोल्टन लेयर को हम मेंटल कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स मोल्टन के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिरकते रहती हैं। अगरचे इनकी मूवमेंट बहुत ही आहिस्ता होती है, लेकिन ये इतनी पावरफुल होती है, अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो उनसे एक ऐसी वेव जनरेट होती है कि करस पर मौजूद सारी चीज़ें करना शुरू हो जाती है। आसान अल्फाज में टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से अर्थ क्विक ट्रिगर हो जाता है। सवाल तो ये है कि अर्थक्वेक के दरमियान सबसे ज़्यादा कौन से बिल्डिंग गिरने के चांसेस होते हैं, टॉलर बिल्डिंग या शॉर्टर बिल्डिंग? मुझे तो ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक के दौरान टॉलर बिल्डिंग गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। टॉलर स्ट्रक्चर कम स्टिफ होते हैं, इसलिए ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि शॉर्टर स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टिफ होने की वजह से कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। अगर हम इसी लॉजिक को बिल्डिंग्स पर अप्लाई करें तो टॉलर बिल्डिंग कम स्टिप होने की वजह से ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगी और गिर जाएंगी, और शॉर्टर बिल्डिंग कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगी और महफूज रहेंगी। राइट, वेल नो, इनफैक्ट 1985 में मैक्सिको में आने वाले अर्थक्वेक में बिल्कुल इसका अपोजिट ऑब्जर्व किया गया कि टॉलर बिल्डिंग सेफ रही और इनसे कम हाइट वाली बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा तादाद में गिर गई। लेकिन ऐसा कैसे? इसे समझने के लिए हमें फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना रेजोनेंस को समझना होगा। हर बॉडी अपनी किसी न किसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करती है, बिल्कुल ही हर बिल्डिंग एक ख़ास फ्रिक्वेंसी पर ऑस्किलेट करती है और इसे हम इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जब ये मैक्सिको में आने वाली अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी शॉर्टर बिल्डिंग की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर रही है और बिल्डिंग रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोलैप्स कर गई जब शॉर्टर बिल्डिंग महफूज रही। यानी कौन सी बिल्डिंग ज़्यादा शेक करेंगी ये डिपेंड करता है अर्थक्वेक के दौरान पैदा होने वाली फ्रिक्वेंसी। यानी अर्थक्वेक के दौरान मजबूत बिल्डिंग नहीं बल्कि स्मार्ट बिल्डिंग महफूज रहती है।